नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। नारायण हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हरि की अमृत वाणी सुन श्रद्धालु एक बार फिर मस्ती में झूमते नजर आए। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के कुराबली में 3 दिवसीय मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हरि ने सत्य की वाणी के माध्यम से बताया कि हम पहले से ही आपको अवगत कराते आए हैं। हम क्या हैं? हम तो एक हलकारा चौकीदार है जो आवाज देते आए हैं, जागो और जागते रहो। ये दुनिया है आम के वृक्ष पर फल लगा हुआ है, फल लटका हुआ है, कच्चा भी पक्का भी। और किसी को आम का वृक्ष बबूल का दिखाई दे, वो बबूल का वृक्ष कहता है। आम के वृक्ष को सेब का वृक्ष कहता है, नाना प्रकार के वृक्ष कहता है। उसे बोलने दो, उसे कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वास्तव में आम का वृक्ष है और फल भी लटक रहे हैं। आज के दौर में किसी पर उंगली उठाई नहीं जा सकती। उंगली उठाओ तो खुद पर उठाओ, बुराई देखो तो खुद में देखो, कमियां देखो तो खुद में देखो। किसी की बुराई भलाई उंगली उठाने का अधिकार सत्य के साथ आने के बाद नहीं रह जाता है। कोई आपके ऊपर उंगली उठाता है तो सोच लीजिए कोई कमी है, उस कमी को निकाल दो, उस बुराई को निकाल कर फेंको तो आपका जीवन निर्मल होता जाएगा। ये संसार है, दुनिया है। जिन हरि परमात्मा ने संसार में जीवन यापन करने के लिए सब कुछ दिया है, उन हरि परमात्मा को तुम क्या दे सकते हो। लेकिन चालाक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हरि परमात्मा को भी भूल जाता है। इंसान तो वही है जो इंसान के काम आए। मनुष्य को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही सच्ची मानव सेवा होती है। नारायण साकार हरि ने आगे बताया कि आज के भौतिकतावाद में मनुष्य अहंकार, जातिवाद, भेदभाव फैलाकर मानव जाति में विघटन पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों का तो संसार में भला नहीं हो सकता, ऐसे लोगों की तो संसार में दुर्गति होनी है। आगे नारायण हरि साकार ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया कि मनुष्य 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव तन मिलता है। इसको भी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अहंकार, जातिवाद, भेदभाव में फंसकर बेकार कर लेता है। नारायण हरि ने कहा, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, आपस में भाईचारा बना कर रहें। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए देखा। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए देखा। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए देखा। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए देखा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जय जयकार। तो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास में डूब के क्यों मरना चाहते हो भैया? अपनी बहन बेटियों को भी समझाओ, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल कर लो केवल इन आंखों पर, आंखों पर कंट्रोल कर लीजिए। जिधर आप जाएंगे आंखों से ही देखेंगे। अगर आपने दूसरों का धन माल देखा तो आंखों में बदनीयत आ जाती है दूसरे का माल हड़पने। अगर आपने किसी स्त्री का सुंदर बदन देख लिया तो इन आंखों में बेड़े गड़बड़ होता है। जब इन आंखों में होता है फिर कान भी वही सुनना चाहते हैं और मुंह से भी वही निकलना चाहता है। आज मौका है, वक्त है, समय है, समय रहते अपनी आंखों में आज से ही संकल्प लेते हुए
क्या करेंगे? संकट तो लेना पड़ेगा। हमें जरूरत नहीं हम किसी को दिलवाएं, हमें धन थोड़ी इकट्ठा करना ना जमीन जायद रहेंगे, हमें किसी की चमड़ी चमड़ी से कोई मतलब नहीं। संकल्प करना पड़ेगा। जब तक संकल्प नहीं करेंगे दुनिया में कोई हो, तब तक उनका जीवन बिखरा हुआ रहता है। और संकल्प करने के बाद जीवन बिखरने से बच जाता है, लान मिल जाती है, लेंथ मिल जाती है, मार्ग मिल जाता है, याद रहती है, फिर उसी पे चलने लगते हैं। तो बाबू जी संकल्प और अनुशासित रहे, परिवार में भी, समाज में भी, संसार में जहां भी होंगे, तो आपका परिवार विकसित जरूर होगा। अगर परिवार में अनुशासन नहीं है तो हस्तिनापुर जैसा महाभारत किस पल हो जाए कोई पता नहीं। समझने की बात करता है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आज के दौर में सभी पढ़े लिखे, एम ए बी ए डबल एम ए से कम कोई नहीं, एल एल बी एल एल एम से कम कोई नहीं है, बड़े बड़े पद हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ। अरे भाई मोटी सी बात है, लोभ का और मोह का अहम का कतरा जीव का नाश कर देता है। मोह का और लोभ आया सीता जी के प्रति तो क्या हुआ, अहंकार आया। इकलक पूत सवालक नाती रावण के घर दिया नाती, रावण का इतना भारी कुनवा था रहा नहीं कोई रोने वाला। और आप ये भी जानते हैं संत मत कहता है, माया मरीन मन मरे मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। हमारा आना यहाँ नोएडा में 1 नवंबर को होता, श्री पूरनमल शर्मा जी ने व्यवस्था बनाई हुई है, जरूर होता, लेकिन वो जगह संकीर्ता की है, गलियां हैं। और हमको भान था अगर पहुंचना होता है तो महापुरुष पहुंचेंगे, गली मोहल्ले तमाम शिकायत होगी, जिला प्रशासन को आना पड़ेगा। उन महापुरुषों की वजह से कह रहे हैं जिन्होंने अनुरोध भी किया, प्रार्थना की, कई बार की, क्योंकि हम किसी स्तर पर हमने कानून पढ़ी है, नौकरी में भी पढ़ाई की है कानून की, भारतीय संविधान, किसी स्तर पर हम कानून को तोड़ना नहीं चाहते, कानून तोड़ना हमारा काम नहीं है। आप आने वाले महापुरुषों को भी हम बताते हैं जैसे परिवार का मुखिया है, इस शिक्षा को समझो, आप कितने ही ज्ञानी ध्यानी हैं, परिवार के मुखिया ने परिवार को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए, नियमों का पालन करके चलेंगे परिवार व्यवस्थित रहेगा और विकास करेगा। जो सदस्य परिवार के मुखिया के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है परिवार का मुखिया उसे दंडित करेगा, नहीं मानता है तो बेदखल कर देगा। परिवार के मुखिया ने अपना पूरा जीवन परिवार को झोंक दिया है, लगाया हुआ है, समाज की स्थिति सही बनी रहे तो सामाजिक लोगों ने सामाजिक नियम बनाए। जो लोग समाज के नियमों को तोड़ते हैं तो बाबूजी समाज ने दंडित करता है। अब रहा शासन प्रशासन, सरकार ने कानून बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, सब कुछ व्यवस्थित रहे, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, हल्के व्यवस्थित रहे और कानून का पालन करें। जो कानून तोड़ते हैं सरकार का, पुलिस माध्यम से न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता है। अब ये भी समझ लो हो रहा है, हरि परमात्मा का भी विधान है, जो विधान को तोड़ता है, दुनिया के कानून को तोड़ते तो बाबूजी अपराध लागू होता है,
पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, अपराध सिद्ध होता, सजा हो जाती है। नारायण हरि परमात्मा का भी विधान है, उसे तोड़ता है तो पाप लगता है, और पाप लगता है, पाप से आगे कोई अपराध होता नहीं। आप समझ सकते हैं पापियों का क्या होता है। उठा लो वैदिक काल के इतिहास, आज भी है, आज भी है, आज भी कमी नहीं है, लेकिन हमें तो स्वच्छता की तरफ जाना है, अपने विचारों को स्वच्छ रखना है और स्वच्छता का ही काम करना है, कार्य करना है। हमें तो यार कर्म योगी बनना है, कर्म होगी नहीं। क्यों? भोग तो हमें रोग पैदा कर देता है, भोगी बनोगे रोग पैदा होगा। और बाबू जी ध्यान रखो, आत्मिक अनुराग पैदा होगा तो कर्म योग बनेगा। आप समझ सकते हैं, भोगी का पतन होता है और कर्मयोगी कहां जाता है? क्योंकि आप शरीर तो है नहीं, आप हिंदू मुस्लिम से ईसाई भी नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय पे शूद्र भी नहीं, आप नर नारी भी नहीं है, ये सब कुछ तो खुलाता है, सब कुछ तो खुलाता है। और आप समझ सकते हैं, दो चार वर्ष पहले ही बोल दिया गया था, एक दिन वो आएगा कि दर्शन का अकाल पड़ जाएगा। इन महापुरुषों ने क्या बात है भाई, इधर लेके आओ। अरे भाई अपराधी वाला, दो महापुरुष से इधर लेके आओ। व्यवधान डालने वालों की कमी तो होती नहीं, दुनिया है ये। आप समझ सकते हैं, भोग से रोग पैदा होते हैं। और आप ये भी जानते हैं, हम कभी बोलते नहीं, आपको पता है यहां कितने असाध्य रोगी आते हैं। और हमारा कहना होता है, मेडिकल जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, नर्सिंग होम जाइए, एलोपैथ का इलाज कराइए, होम्योपैथिक का कराइए, आयुर्वेदिक का कराइए, यूनानी कराइए, भाई दवा लो, तमाम डॉक्टर बैठे हैं। अब आपका आने जाने से भला होता तो हरि परमात्मा कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हरि परमात्मा कर रहे हैं। क्यों? अगर आप खेत में जाके बैठ जाओ, खेत में जाके बैठ जाओ और समझो जरा, आपका भाव, आपकी जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, आपका भाव पांचों कर्मेंद्रियों के ऊपर बैठेगा। और आप खेत में बैठ जाओ, नीतिगत प्रार्थना हरि से करोगे तो बाबूजी तुम्हारी जो मांग रहे हो, नीतिगत मांग है, तो खेत में बैठ के भी पूरी हो जाएगी, बैठेगी। कोई भगवान जी बने, पूजा कराए, हो जाने। हम तो आज तक हर कारा चौकीदार बन के काम कर रहे हैं और किसी के रोबलाल से हमारा मतलब नहीं है। खेत में काम करते, लेकिन के नाम को बदनाम करें, नाम को बेचे, तो हमारा मानना है पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारा मानना है। अब मानो चमत मानो। और जो हरि परमात्मा के नाम को बेच रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो तो पहले से राक्षस थे और राक्षसीपन उतरा आ गया है, वो तो खुरापत कर रहे हैं, करेंगे क्यों? अनंत कालों तक उनका सर्वनाश कैसे होगा? कि कर्म से ही तो होता है। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, तपस्या से ही राजा बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, धनमान पदमान बन जाते हैं, और भूल गए फिर नरकेश्वरी। साधु महात्मा बैठे, पूछो, इन्होंने वेद शास्त्र का पठन पाठन किया होगा, इन्होंने गुरु बनाए हैं। यहाँ आने वालों को पूछा जाए कि तुमने कौन गुरु बनाया है, कितने वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया है? कुछ नहीं, निल बटा निल, जीरो बटा जीरो। अगर अध्ययन किया होता शास्त्रों का और गुरु बनाए होते तो जो उद्दंडता देखने को मिलती है, हरि के नाम को बेच रहे हैं, कोई प्रवास के नाम से लूट रहा है। हमने जमाने में
नगर महानगर कस्बे ग्रामीण अंचलों भिन्न भिन्न प्रांतों कहीं पर भी हमने किसी भी व्यक्ति स्त्री को प्रवास बनाने की अनुमति आज तक नहीं दी है। ये क्यों बना रहे, किस लिए बना रहे? केवल वहां ढंग पाखंड आडंबर बस जन्म लेगा और कुछ जन्म लेगा वो यहाँ बैठ के बोल नहीं सकते, वो भी जन्म लेगा, उन्हें उसी दुनिया के हैं, उसी दुनिया के हैं। तो समझो, आए हो तो अपने जीवन को बर्बाद मत करो। ये जगत में कोई नहीं अपना है, जगत एक सपना, क्या समझो? शिव पुराण की महाकथा है। शंकर जी माता पार्वती जी चले जा रहे हैं पैदल पैदल, रोड के किनारे एक हाथी पड़ा हुआ सिसक रहा है, सिसक रहा है, सांस लेता है तो अंदर से तमाम कीड़ा बाहर निकलता है, काला सफेद कई रंग के। पार्वती जी ने कहा, नाथ विशाल काय पशु है, इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? तो क्या कहा शंकर जी ने, क्या देवी पार्वती जानना चाहते हो कि हाँ तो सुनो, ये हाथी इससे पहले ये मनुष्य था, इसने गुरु बनकर भगवान बनकर सदगुरु बनकर शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सबके नामों को बेचा धनवान बनने के लिए, पर पेट पूजा कराई और जो पेट में से कीड़ा निकल रहे हैं ये सब इसके शिष्य है, शिष्य ने भी यही काम किया, शिष्यों ने भी यही काम किया, ये हाथी बना कीड़ा शिष्य है। तो बाबू जी जो एग्जाम्पल कहता है वेदों शास्त्रों का, यही तो होगा, इसलिए तो कर रहे हैं। क्यों? जब चोर चोरी करेगा तभी पकड़ा जाता है और चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। अरे क्या बात है, उठा के लाओ यार, उठा के लाओ, प्रेम से लाओ, उठा के प्रेम से अच्छा व्यवहार करो। हा भैया उदम क्यों कर रहा है, बैठे रहिए शांत, अगर आपने हलचल की तो हम भी उठ के चले जाएंगे। अरे यार इतनी ताकत लगा के पुल बन रहा है, वहां ताकत लगाओ तो पुल तो बन जाएगा, पूरी ताकत खर्च कर रहे हो भाई। अब शांति से बताओ श्रीमान जी आपका नाम क्या है? कलाबाजी बहुत हो गई, आज कलाओं का दौर नहीं, आज संपूर्ण ब्रह्म का दौर है, हरि परमात्मा का दौर है, आज कलाओं की जरूरत।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।